हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा वर्मा एंड वेलकम टू ट्यूटर्स हब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंटल स्टडीज जो कि थी क्लास थर्ड की, ठीक है, लुकिंग अराउंड। और ये हमारा सोर्स रहेगा एनसीईआरटी, ठीक है, सोर्स रहेगा हमारा एनसीईआरटी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अ हाउस लाइक दिस, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ टेंट्स दिख रहे होंगे। तो ये कहाँ का है, ये श्रीनगर। तो यहाँ पे लिखा आई लिव इन श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। ये जो कैंप है ये स्टे करने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे बच्चे हैं उनके स्टे करने के लिए ये कैंप्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सम चिल्ड्रेन हैव यूज पीस ऑफ क्लोथ टू मेक द स्ट्रीमर्स ऑफ द डोर। अच्छा, ये जो डोर्स हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रीमर्स बनेंगे, डोर्स के जो स्टीमर्स बन रहे हैं, क्लॉथ से बनेंगे, ठीक है, क्लॉथ से बन रहे हैं। सम हैव मेड द पोस्टर्स यूजिंग, कुछ ने पोस्टर्स भी बनाए हैं टू डेकोरेट। पोस्टर्स किसके बनाए हैं, एनिमल शेल्स के। एनिमल शेल्स मतलब आपने देखा होगा कि जो बादाम होता है, ये बादाम एक नेट मतलब शेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो शेल्स हैं इससे डेकोरेट किया है इन्होंने। और कुछ लोगों ने क्या यूज करा है, कुछ लोगों ने डेकोरेट करने के लिए रंगोलीज यूज करी है। रंगोलीज किसकी बनी हुई है, रंगोलीज विच यूज ड्राई लीव्स एंड सॉडस्ट, ठीक है, ड्राई लीव्स और सॉडस्ट यूज करिए। एनिमल शेल्स यूज करिए, स्ट्रीमर्स के लिए अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है भूपेन, एक बच्चा है यहाँ पर जो कि है भूपेन का। अब ये बता रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मोहन विलेज इन आसाम, ठीक है। ये कहाँ से आया है, आसाम से आया है। यहाँ पर इसने बताया है कि इट रेन्स हैवीली इन आवर प्लेस, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, ठीक है, बारिश होती है, इस वजह से घरों को, जो ये घर बने हैं ये कुछ हाइट पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस कितना हाइट है, यहाँ पर लिखा है 10 to 12 feet की हाइट पर बनाए जाते हैं अबव द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 10 to 12 feet की ऊंचाई से ये घर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, ये जो यहाँ पे बैम्बू के पिलर्स यूज करेंगे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। द इनसाइड ऑफ आर हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, और अंदर अंदर घर के भी वुड यूज करी जाती है, ठीक है, वुड से ही घर बनेगा, पिलर बैम्बू से बनेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आसाम की बात। अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक बच्ची दी गई है जो कि कहाँ से आई है, जो कि आई है मनाली से, ठीक है, जो कि आई है मनाली से। और ये कौन सा एरिया है, ये एक हिली एरिया है, ठीक है, मनाली से आई है और ये एक हिली एरिया है। एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवीली एंड स्नो एज वेल, देख रहे हैंगे कि यहाँ पे बर्फ भी गिर रही है, बोल रही है कि बर्फ भी गिरती है और बारिश भी होती है, ठीक है। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन, बच्ची बोल रही है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हमें धूप में बैठना पसंद है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, यहाँ पर दो चीजों से घर बनेंगे, स्टोन से और वुड से, ठीक है। ये कहाँ की बात है, ये मनाली की बात है, ये आसाम की बात थी, जहाँ की हाउसेस किससे बन रहे थे, वुड से बन रहे थे और बैम्बू पिलर्स बन रहे थे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, ठीक है, वहां पर किसके बिल्डिंग्स बनी होती हैं, क्यों, यहाँ पर दिखा, देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, दिस पीपल ऑफन सेटल, देखिए अब भाई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम के सिलसिले में, तो कुछ लोग यही सेटल हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग सेटल हो जाते हैं। तो भाई एरिया तो जो भी है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है और एरिया कम है। देयर आर नॉट लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस, बोल रहे ना कि स्पेस क्या है, कम है और पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। तो भाई सबको अकोमोडेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जाती है, फ्लैट्स बनाए जाते हैं जिसमें ज्यादा लोग यहाँ पर रह सकें, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास तो घर है, लेकिन कुछ लोग क्या स्लम्स में रह रहे हैं, कुछ लोग स्लम्स में रह रहे हैं एंड कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव दैट ईदर, पीपल जिनके पास कोई घर नहीं है तो वो क्या करेंगे भाई, वो रोडों पे सोएंगे, फुटपाथ पे सोएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में क्या है, दिल्ली में शेल्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, शेल्टर की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हमें बिल्डिंग्स मिलेंगी, ऊंची ऊंची इमारतें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं काशीराम। अब ये बच्चा है काशीराम, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, ये कहाँ से आया है, राजस्थान से आया है। रेनफॉल इज वेरी स्केर्स, मतलब बारिश इस एरिया में बहुत कम होती है। इट इज वेरी हॉट टू, देखिए बारिश कम हो रही है, हॉटनेस ज्यादा है, ठीक है। रेन क्या है, रेनफॉल कितनी है, लेस है, ठीक है, रेन लेस है, हॉटनेस ज्यादा है। वी लिव इन मड हाउसेस, भाई अब गर्मी से बचना है तो धूप से बचना है, तो इसकी ये जो घर बनेंगे ये किससे बन रहे हैं,
ये मड से बन रहे हैं, मतलब मिट्टी से बन रहे हैं। मिट्टी से इसलिए बनाया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है, कूलिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, ठंडक प्रोवाइड करती है। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, भाई अब गर्मी से बचना है तो इसकी जो दीवारें हैं बहुत थिक बनाई जाती हैं, ठीक है। दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड, फिर इनको प्लास्टर भी मड से ही, मिट्टी से इसका प्लास्टर भी किया जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, और यहाँ पे जो ये रूफ दिख रही है ये बनी है थॉर्नी बुशेस की, ठीक है, थॉर्नी बुशेस की। चलिए तो हमने देखा कि यहाँ पर राजस्थान में मड के हाउसेस बनेंगे और यहाँ पे जो रूफ है वो थॉर्नी बुशेस की बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको कुछ बोर्ड्स दिख रही होंगी, ठीक है, तो ये कहाँ की बात है, चलिए हम देखते हैं ये कहाँ की बात है। ये बात है श्रीनगर की, ठीक है, इट इज ऑफ द श्रीनगर। दिस सैक फोक सॉन्ग दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चलिए ये देखते हैं। एवरीबडी हेट कहवा विद आलमंड्स एंड कार्डमम, देखिए कश्मीर श्रीनगर में पता है आपको सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ के लोग खुद को गर्मी प्रोवाइड करने के लिए क्या पीते हैं, कहवा। ये एक प्रकार की क्या होती है, टी होती है, चाय होती है, जो कि इसमें क्या डलते हैं, आलमंड्स और कार्डमम डलते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है हॉटनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कहवा टी यहाँ यूज होती है, यहाँ पे लोग कहवा टी पीते हैं जो कार्डमम और आलमंड्स की है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, वेन टू दाल लेक, ये जो दाल लेक है ये आपको दिख रहा होगा लेक, तो यहाँ पे क्या है, दाल लेक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहवा टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दाल लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या आपको हाउस बोट्स भी दिखी, वी सॉ हाउस बोट्स, यहाँ पर हाउस बोट्स भी हैं। और ये जो हाउस बोट्स है तो इनको क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वी सैट इन शिकारा, क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं शिकारा, ठीक है। और इसकी राइड ये लोग दाल लेक में एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या था, कहवा टी, दूसरा था दाल लेक, तीसरा था हाउस बोट और चौथा था शिकारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, हम चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए अभी हमने देखा था हाउस बोट्स कहाँ पर थी, श्रीनगर में, और ये जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स कहाँ पे, दिल्ली में थी, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज में। और ये जो हमने टेंट्स देखे थे ये कहाँ पर थे, ये भी श्रीनगर में थे। अब ये जो इग्लू है या हाउस ऑफ स्नो, जहाँ पे बर्फ गिरती है वहां पे, और ये हट है, ठीक है, ये हट आपको आपको रूरल एरियाज में मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आर फ्रेंड्स एनिमल, भाई यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कि एक पक्षी है जो कि इसको चोट लगी, लुक लाइक अ बर्ड इज हर्ट। तो भाई यहाँ पर ये सब स्टोरी बताने का मतलब क्या है, सिंपली यहाँ मतलब ये है, आप देखिए मैं आपको यहाँ पेडोगॉजी भी कवर करवा दूंगी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीरीज हम आगे करेंगे, बट हम जो इसमें चैप्टर्स के बीच में हल्की फुल्की पेडोगॉजी दी है वो भी हम करते चलते हैं, ठीक है। इस एनिमल्स के बारे में बच्चों को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे एनिमल्स के प्रति संवेदनशील हो सके, ठीक है, संवेदनशील हो सके और संवेदनशील हो सके। और यहाँ पर आगे दिया है एक एक्टिविटी दी है बर्ड बात, देखिए बच्चों को हमें क्या करना है, चीजों को सिखाना है प्रैक्टिकल वे में, ये नहीं कि किताब में लिखा है भाई कि एनिमल्स के प्रति संवेदनशील होना है तो होना, नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकल रह के हमें सिखाना है, बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हो एक्टिविटी में, ऐसा करके सिखाना है हमें बच्चों को। तो यहाँ पर दिया है कि बर्ड बात, आप चाहें बर्ड बात देखिए कैसे बनता है, एक अर्दन पॉट लीजिए आप, जिसका ये जो कवर है, जो ऊपर का माउथ है ये थोड़ा वाइड होना चाहिए ताकि इस पे बर्ड आए और इससे पानी पी सके, ठीक है। टाई अ पॉट विद अ रोप, इसको ऐसे आप टांग सकते हैं विद अ ट्री, या तो आप ट्री से टांग दीजिए या आपके घर में कहीं भी ऐसा हुक टाइप का हो वहां पे भी टांग सकते हैं बाहर, इसमें आप पानी रख दीजिए, ठीक है। पोर वाटर, इसमें आप डेली पानी डालेंगे तो आप डेली देखेंगे आप, भाई इस एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे ये हमने टांग दिया यहाँ पे बर्ड, तो आपके घर में बच्चे इनको देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि पक्षी भाई, पक्षी को भी हर एक चीज की जरूरत है, पक्षी के प्रति मतलब बर्ड्स के प्रति, या फिर आप कह लीजिए एनिमल्स के प्रति बच्चे थोड़ा सा संवेदनशील होंगे, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होके, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके चीजों को सीखेंगे, ठीक है। एक्टिव है, यहाँ पे पैसिव की बात कहीं भी नहीं की गई है, पूरे NCERT में सिर्फ प्रैक्टिकल वे में एक्टिवली बच्चों को इन्वॉल्व करके आप सिखाएंगे बच्चों को। तो चलिए आगे देखते हैं हम, ड्रॉप बाय ड्रॉप, भाई ये ड्रॉप मतलब पानी, पानी का यहाँ पे स्टोरी क्यों दी गई है, ताकि बच्चे की वाटर की इंपॉर्टेंस को समझे, ये समझे कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, वाटर की इंपॉर्टेंस को समझे और वाटर के रीयूज को समझे, वाटर के रीयूज को समझे, रीयूज को समझें, ठीक है।
पानी को वेस्ट ना करें। जैसे स्कूल में टैप है, बच्चे ने हाथ धुला या पानी पिया, उसके बाद ये टैप खुला छोड़ दिया, तो इससे पानी का वेस्टेज होगा। तो बच्चे ये समझे कि पानी को वेस्ट नहीं करना है, पानी को रीयूज करना है और पानी की इंपॉर्टेंस समझे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है बज्जू विलेज की, जो कि है राजस्थान में, ठीक है। इट इज हार्डली अ विलेज इफ यू सी इजॉस, यहाँ देखिए राजस्थान है, यहाँ तो यहाँ पे सैंड उड़ती है, हवा चलेगी तो सैंड उड़ेगी, तो यही बताया गया। यू कैन सी इज सैंड ऑल अराउंड, ठीक है। एवरीबडी इन माधोस फैमिली इज अपसेट। भाई क्यों अपसेट है? क्योंकि एवरी समर देर इज वेरी वाटर स्कार्सिटी, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, त्राही त्राही हो जाती है। दिस ईयर इट वॉज वर्स, एक किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करें कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी हो गई। इट इज वर्स, इट डिड नॉट रेन ऑल, बारिश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसकी मदर और सिस्टर को बहुत दूर लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज नियर बाय पॉन्ड्स। भाई बारिश नहीं हुई तो पॉन्ड सूख गए, तो ईच डे हर दिन दे हैव टू स्पेंड आवर्स, घंटे लग जाते हैं इन लोगों को कितना पानी लाने के, 4 pots of water। आप देखिए मतलब इनको घंटों तक दूर जाकर सिर्फ 4 pots पानी के लिए कितना इनको चलना पड़ता है, ठीक है। और भाई इतनी रेत इतनी तपती है यहाँ की कि इनके पैर से भाई जल जाते हैं और इनके पैरों में क्या ब्लिस्टर्स छाले भी पड़ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पानी की कितनी ज्यादा यहाँ पर स्कैर्सिटी होती है, जो कि बज्जू विलेज है इज इन राजस्थान। ये क्वेश्चन आया है कि बज्जू विलेज कहाँ पर है, तो इट इज इन राजस्थान। तो चलिए भाई पानी की स्कैर्सिटी होती है तो हमें क्या करना है, बारिश के पानी को बचाना है, मतलब क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है, पानी को बचाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम क्या डिक करते हैं, टंका डिक करते हैं, ठीक है। अब भाई ये टंका कैसे बनाया जाता है, टू बिल्ड अ टंका ए पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड। आप अपने कोर्टयार्ड में एक पिट डिक करेंगे और फिर उसको क्या पक्का कर देंगे, ठीक है, सीमेंटेड कर देंगे। और उसके बाद ये जो ये पिट है इसके ऊपर एक लिड लगी होगी, द टैंक इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, ठीक है, यहाँ पर एक लिड होगी। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग, अच्छा आपके घर की जो रूफ है वो स्लोपिंग बनेगी ताकि यहाँ से पानी आकर इसके अंदर जाए, ठीक है। लिड रेन वाटर कलेक्ट, स्लोपिंग रूफ बनानी है, ठीक है, जिससे वाटर कलेक्टेड एयर फ्लोस थ्रू द पाइप, अब पाइप के थ्रू ये इस टंका में पानी चला जाएगा। अ सीव इज अटैच्ड, अच्छा इसके माउथ पर एक छन्नी भी लगी होगी जिससे पानी इसमें क्या होगा, छन कर जाएगा, सो दैट डर्ट डज नॉट गो इन टू द टंका। यहाँ पर छन्नी लगाने का पर्पज सिंपली ये है कि इसके अंदर डर्ट कंकड़ मिट्टी जो कुछ भी है वो इसके अंदर ना जाए। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन, और क्लीन करके करने के बाद आप इस पानी को अपने हाउस होल्ड पर्पसेज में, यहाँ तक कि आप इसको ड्रिंकिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि टंका हम कैसे बना सकते हैं, टंका कैसे हम रेन टंके में हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ पे टंका बना है, यहाँ पे ये लिड है, अंडरग्राउंड टंका बनाया गया है, यहाँ पे ये पाइप है, यही रूफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर जस्ट लाइक माधो, अब भाई ये माधो की स्टोरी तो हमने देखी, अब हम सोनल की देखते हैं। तो सोनल भाई कहाँ रहती है, सोनल कहाँ रहती है, भावनगर में रहती है। और यहाँ पर वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर, मतलब आप सोचिए आधे घंटे के लिए पानी सप्लाई होता है पूरे दिन में, मतलब 24 घंटे में केवल आधे घंटे के लिए पानी यहाँ आ रहा है। तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर पानी की कितनी जरूरत है, मतलब कितनी मतलब परेशानी होती होगी इन लोगों को, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन सिंगल, अब भाई एक ही सिंगल टैप पे उस पर्टिकुलर एरिया को लोगों को डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है, डिपेंड होते हैं। सोनल्स डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैंक व्हेनेवर शी गेट अ चांस हर बकेट, इवन इफ, अच्छा आप देखिए इवन इफ इट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, कितना मतलब आप सोचिए हमें पानी मिल रहा है और हम उसका वेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो एक एक बूंद के लिए भी अपने टैप को यहाँ पर अपने जो बकेट है उसको लगाए। देखिए यहाँ लगे शिफिल्स और बकेट, इवन इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद से ही कहते हैं ना सागर बनता है, वही बात इनके लिए वो बूंद बूंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी है भावनगर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भाई यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, तो भाई ये सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंबल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंबल्स क्या होते हैं, आपको मैप, जब आप मैप पढ़ते हैं ना तो मैप में आपको ये सिंबल्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पर्पस ये है कि बच्चे मैप को पढ़ने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं, तो उन्हें सिंबल्स का पता होना चाहिए। यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आप ब्यूटीफुल क्लॉथ, यहाँ पर कुछ क्लॉथ के बारे में बताया गया है, आप ब्यूटीफुल क्लॉथ, तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि दुपट्टा दिया गया है, ठीक है, एक ये दुपट्टा, एक बच्ची है, ये दुपट्टा, तो इसमें क्या दिया, दुपट्टा हैज ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टक ऑन इट। देखिए इस पे कुछ, या तो फिर इस पे एम्ब्रॉयडरी होगी, ठीक है, या एम्ब्रॉयडरी है, या फिर इस पे क्या ये जो मिरर स्टिक है, ठीक है, या तो इस पे एम्ब्रॉयडरी है या मिरर, मतलब टोटल यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की बात की गई है और
उसको क्या है, डेकोरेट करा है मिनर से, उसकी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीविंग। भाई जब वीविंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे वर्टिकल्स लाइन होती हैं और फिर ये हॉरिजॉन्टल, तो वीविंग कैसे होते हैं, करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स लाइन की हेल्प से वीविंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंटिंग ऑन द क्लॉथ। भाई कपड़े पे या तो एम्ब्रॉयडरी होगी, धागे की कढ़ाई होगी, या कुछ मिरर स्टिक है, या फिर आप सिंपली प्रिंट करके चीजों कलर से प्रिंट करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया द प्लांट फेरी यू के सॉर्टेड डिजाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लेडी फिंगर को लिया गया, लेडी फिंगर को कलर में डिप करके यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग की गई है, ठीक है। तो वीविंग के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में यहाँ बात की गई है। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। अब हम ये वाली सीरीज क्लास थर्ड की खत्म हो गई है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास फोर्थ की। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आप हमसे स्टे कनेक्टेड, प्लीज कनेक्ट रहिए, हम ऐसी सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।